I'm Tanya and welcome back to my channel. So today's video is an outfit from scratch video. So Diwali is around the corner and I really want to make an outfit for Diwali. But this is a very last minute outfit hai because sirf ek hafta reh gaya hai Diwali mein and I have not yet decided what I have to wear on Diwali. So the main problem is ki fabric lane ka mere paas time nahi hai because this time pe market mein bahut zyada bheed milti hai and especially in Chandni Chowk aapko pair rakhne ki jagah nahi milegi. So I am not thinking to go to Chandni Chowk to buy the fabric. Usually मैं fabric अपना Chandni Chowk से ही खरीदती हूँ, but this time I was like कि यार जो जो घर में पड़ा है उसमें से ही देख लेते हैं कि क्या क्या दिवाली के लिए बन सकता है. So the thing I prefer for दिवाली outfit is a little bit heavy or chatak, you know, chatak in the sense like थोड़ा सा heavy look में, like not in the sense कि ज़्यादा heavy outfit हो जाए और पहनने में बहुत भारी भारी लगे, not in that sense at all, but दिखने में थोड़ा सा heavy look आए. So that kind of outfit I really like. So, मेरे पास दो चार फैब्रिक्स पड़े थे जो कि मैं पहले कभी यू नो पसंद आ जाते तो हम ले लेते हैं, वो पड़े थे एंड उनमें से मुझे एक फैब्रिक मिला जो कि है ये वाला. वेट लेट मी शो यू, दिस इज द फैब्रिक. ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिंक कलर का फैब्रिक है, बट द प्रॉब्लम विद दिस फैब्रिक इज दैट कि ये मेरी मम्मा का ब्लाउज का फैब्रिक है. लाइक मम्मा को एक लहंगा सिलवाना था और वो कलर मैच नहीं हो, उस वजह से ब्लाउज नहीं बन पाया. ये 1.25 मीटर ही फैब्रिक है, 1.25 मीटर ये फैब्रिक है बस. तो ये ब्लाउज का फैब्रिक है एंड मैं इसमें से आउटफिट बनाने का सोच रही हूँ. आई डोंट नो हाउ विल दैट लुक, बट आई रियली 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 लव दिस फैब्रिक. आई रियली लव हाउ इट लुक्स. इसका पिंक कलर, यू नो, दिस फूशिया पिंक कलर इज वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स एंड ईस्ट पे जो ये वर्क हो रखा है एम्ब्रॉयडरी का, आई रियली लाइक. आई रियली लाइक कि ये थोड़ा सा हैवी लुक दे रहा है एंड दिवाली अप्रोप्रिएट है फॉर श्योर. तो इसका हमें जुगाड़ करके थोड़ा सा अच्छा आउटफिट बनाना पड़ेगा दिवाली के लिए. सो इफ यू आर ऑल्सो थिंकिंग कि यू नो ब्लाउज का फैब्रिक आपके पास भी कोई अच्छा सा पड़ा हुआ है, अपनी मम्मा का, आपका जो आप पहले लाए हो या किसी साड़ी में से बच गया हो, हैवी हैवी, ओके, उससे आप आउटफिट कैसे बनाए, दैट यू विल रियली सी इन दिस वीडियो बिकॉज वी आर गोइंग टू ट्राई दैट टुडे एंड यू विल सी हाउ विल इट टर्न आउट. और अगर आपको ये पटाखों वगैरह की आवाज़ आ रही है तो आप समझ सकते हो कि दिवाली कितनी पास है. तो इस लास्ट मोमेंट पे मैं आउटफिट बना रही हूँ. आई डोंट नो कि टेलर कैसे बनाएगा. तो ये 1.25 मीटर ही फैब्रिक है और ये बहुत कम फैब्रिक है फॉर द कुर्ती. लाइक कुर्ती के लिए यूजुअली 2.5 मीटर फैब्रिक लगता है एंड अगर आपका पना बड़ा है फैब्रिक का देन 2.25 मीटर में भी हो जाता है इफ़ यू आर गोइंग स्लीवलेस. बट ये वाला फैब्रिक सिर्फ 1.25 मीटर है, लाइक 1.25 मीटर्स ओनली बिकॉज ये ब्लाउज का फैब्रिक था एज आई टोल्ड यू गाइज. तो इसके लिए आई एम थिंकिंग कि यू नो हम शॉर्ट कुर्ती बनाते हैं, वो बन जाएगी इसमें से एंड वील गो स्लीवलेस बिकॉज उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. एंड आई रियली 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 वॉन्ट कि इसी में से मेरे दुपट्टे का बॉर्डर भी बन जाए. आई डोंट नो कि वो कैसे होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट आई वॉन्ट दैट. एंड एक प्रॉब्लम और इस फैब्रिक के साथ कि जो इसकी कढ़ाई हो रही है ना, ये वर्टिकली हो रही है, ऐसी वर्टिकल कढ़ाई हो रही है एंड इस वजह से हमें ये ऐसा वर्टिकली बनाना पड़ेगा. अगर आपके पास कोई फैब्रिक है जिस पर यू नो ऐसा कुछ वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल का चक्कर नहीं है तो आप किसी भी तरीके से फैब्रिक को यूज कर सकते हैं, बट ऐसी कढ़ाई वाले सूट्स में मुझे तो ऐसे वर्टिकली यूज करना पड़ेगा, देन ओनली इट विल लुक नाइस. एंड यू नो ये काफी हैवी फैब्रिक है, लाइक दिखने में कितना हैवी है, बट अगर मैं इसमें लेसेस वगैरह लगाकर भी इसके लेंथ को एक्सटेंड कर दूँ तो वो अच्छा नहीं लगेगा, यू नो ओवर डन लगेगा, विच आई डोंट वॉन्ट. एंड ये वाला फैब्रिक को अगर मैं ऐसे बनवाना चाहिए डबल फोल्ड करके बिकॉज ऐसे तो आपको पूरी लेंथ मिल जाती है, बट हम ऐसे नहीं बनवा सकते बिकॉज ये साथ में इसके यू एम्प्टी स्पेस है और इस पर कढ़ाई नहीं हो रही तो अंदर दबाने के लिए भी हमको फैब्रिक चाहिए. दिस इज ऑल्सो द प्रॉब्लम. तो हमें वैसे ही यू नो फोल्ड करके ही बनवाना पड़ेगा, उसमें छोटी लेंथ ही मिलेगी एंड दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग अ शॉर्ट कुर्ती विद दिस वन. तो हम शॉर्ट कुर्ती की तरफ जाएंगे एंड दिस इज द डिजाइन विच आई हैव शॉर्टलिस्टेड. तो ये एक शरारा है नीचे इसके और शॉर्ट कुर्ती है विच आई रियली लव. और नीचे शरारा बहुत ज्यादा फ्लेयर वाला है एंड आई रियली लव हाउ इट लुक्स. और इसमें दुपट्टा है तो आई एम थिंकिंग कि स्लीव्स पर जो ये फ्लावर वाला बॉर्डर आ रहा है ना, तो मैं सिर्फ इतनी सी स्लीव्स लेनी चाहती हूँ, लाइक स्लीव सिर्फ इतना हो और सिर्फ यू फ्लावर फ्लावर स्लीव्स पे दिखे, विच विल लुक रियली 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 नाइस. आई रियली लव हाउ इट लुक्स ऑन द स्लीव्स. सो या दिस इज द डिजाइन विच आई वॉन्ट टू मेक, शॉर्ट कुर्ती, नीचे शरारा बहुत ज्यादा फ्लेयर वाला एंड ऊपर ऐसा फ्लावर वाली स्लीव प्लस ऑर्गेंजा दुपट्टा. एंड ऑर्गेंजा दुपट्टा इसलिए बिकॉज आई रियली लव दुपट्टा ऑर्गेंजा वाला. ऑर्गेंजा में यू थोड़ा सा खड़ा खड़ा, लाइक
ज्यादा खड़े वाला ऑर्गेन्जा हम नहीं लेंगे बिकॉज वो ज्यादा स्टिफ रहता है एंड आई डोंट वॉन्ट की ज्यादा स्टिफ दुपट्टा रहे, बट वो एक सॉफ्ट वाला ऑर्गेन्जा भी आता है फैब्रिक में तो हम वो लेंगे। एंड नीचे बॉटम में शरारा के लिए आई थिंक जॉर्जेट फैब्रिक ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि यू नो जॉर्जेट में आपको फ्लेयर्स दिखेंगी, जॉर्जेट थोड़ा ढलमा कपड़ा होता है तो उसमें यू नो फ्लेयर ज्यादा अच्छे से दिख जाएंगी। और दुपट्टे पर भी इसकी बॉर्डर लाइक इस वाले फैब्रिक का बॉर्डर अगर लगेगा तो, और अगर बॉर्डर नहीं लगेगा तो मैं जाऊंगी जॉर्जेट वाले दुपट्टे के साथ ही, जो हम बॉटम का फैब्रिक लेंगे वही हम दुपट्टे का फैब्रिक ले लेंगे। सो वील सी व्हाट वी विल डू विद द दुपट्टा। सो या अब हम सबसे पहले चलते हैं इसका बॉटम का फैब्रिक और दुपट्टे का फैब्रिक लेने बिकॉज यू नो कलर डाई कराना पड़ेगा आई थिंक सो, बिकॉज ये कलर एग्जैक्ट मैच मिल गया देन तो मजे ही आ जाएंगे क्योंकि टाइम भी कम है, और अगर एग्जैक्ट मैच नहीं मिला देन हमको डाई कराना पड़ेगा तो वो भी टाइम लेगा। सो नाउ लेट्स जस्ट गो टू द फैब्रिक शॉप जो कि नियर बाई है मेरे घर के, तो हम उस शॉप पर जाते हैं एंड सी व्हाट फैब्रिक्स वी कैन फाइंड फॉर द शरारा एज वेल एज फॉर द दुपट्टा। सो मैं जब फैब्रिक को लेके शॉप पर गई, फैब्रिक के शॉप पर, तो मैं फर्स्टली मैचिंग फैब्रिक देख रही थी बट मुझे कुछ भी मैचिंग का लाइक एग्जैक्ट मैच नहीं मिला। एंड देन मैंने डाई वाला फैब्रिक देखा तो ये मैंने जॉर्जेट देखा बिकॉज जॉर्जेट एज आई सेड यू गाइस की बहुत अच्छा लगेगा इस वाले फैब्रिक पर, और मुझे शरारा बनवाना है तो थोड़ा ढलमा कपड़ा ही होना चाहिए तो उस वजह से मैंने जॉर्जेट लिया। और ये मैंने जॉर्जेट लिया है 6 मीटर शरारे के लिए बिकॉज टेलर ने कहा था कि शरारे के लिए 6 मीटर ज़्यादा अच्छा लगेगा बिकॉज मुझे ज़्यादा फ्लेयर वाला यू नो शरारा चाहिए था, बट अगर आपको कम घेरे वाला शरारा चाहिए देन 3 से 4 मीटर में शरारा बन जाएगा, बट मैंने यहाँ पर ये फैब्रिक 6 मीटर कटवाया है। नेक्स्ट अब रही बात दुपट्टे की, तो मैंने दुपट्टा ऑर्गेन्जा लिया है, ऑर्गेन्जा दुपट्टा लिया है बहुत ही लाइट वेट, थोड़ा फूला फूला ऑर्गेन्जा दुपट्टा रहता है। एंड मैंने यहाँ पर ये प्लेन ऑर्गेन्जा दुपट्टा लिया है बिकॉज मैं इसी का बॉर्डर दुपट्टे पर लगवाऊंगी, बट अगर आपके पास ज्यादा फैब्रिक नहीं है तो आप थोड़ा काम वाला भी दुपट्टा ले सकते हैं जिसके ऊपर थोड़ा वर्क हो रखा हो या कुछ यू नो मैचिंग सीक्वेंस वर्क या थोड़ा सा यू नो बॉर्डर पर कुछ बना हो आप वैसा दुपट्टा ले सकते हैं, बट मैंने बिल्कुल प्लेन दुपट्टा लिया है। एंड मैंने दुपट्टा लिया है 2.5 मीटर एंड ये डाई होकर भी थोड़ा सा श्रिंक होता है दुपट्टा, तो ऑलवेज प्रेफर की 2.5 मीटर ही आप दुपट्टा लो। तो ये फैब्रिक डाई होकर आ गया है, ये वाला है जॉर्जेट फैब्रिक जो कि हमने बॉटम के लिए लिया है और ये हमने लिया है 6 मीटर्स एंड ये भी थोड़ा सा गीला है तो हम इसको थोड़ा सा ड्राई करेंगे। एंड ये लिया है हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक फॉर द दुपट्टा एंड ये भी अभी थोड़ा गीला है तो हमको ये थोड़ा ड्राई अप करना पड़ेगा। एंड आई थिंक ये दोनों काफ़ी अच्छे जा रहे हैं इस वाले आउटफिट के साथ, जॉर्जेट वाला तो बिल्कुल ही जा रहा है लाइक अगर आप इससे देखोगे ये थोड़ा गीला है इस वजह से थोड़ा सा डार्क लग रहा है, बट जब ये सूख जाएगा तो ऑलमोस्ट मैच है, एज यू कैन सी कि कितना मैच कर रहा है, थोड़ा सा गीला है दैट्स व्हाई थोड़ा सा डार्क लग रहा है, बट यू नो उसके बाद ठीक हो जाएगा। एंड ये वाला भी काफी अच्छे से जा रहा है, ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है एंड ये दुपट्टे का ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, ये भी काफी अच्छे से जा रहा है, तो ये डाई काफी अच्छा हो गया थैंकफुली। सो नाउ लेट्स जस्ट गो टू द टेलर एंड सी की क्या बनता है इसमें से। सो ये आउटफिट रेडी हो गया था, दिवाली वाले दिन ही रेडी हुआ बिकॉज मैंने लास्ट मिनट पे आउटफिट दिया था तो थोड़ा टाइम भी लगता है आउटफिट को बनाने में। एंड आई वॉज रियली लविंग हाउ द शरारा वॉज लुकिंग, और शॉर्ट कुर्ती के साथ तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, बिल्कुल फ्लेयर्स वगैरह दिख रही थी, बहुत ही ज्यादा सुंदर लुक आ रहा था। और इसके दुपट्टे पर भी यू नो बॉर्डर लग गया था जो फ्लावर वाला था, जो मैंने यू नो स्लीव्स पर लगवाया था वही सारे में लग गया था, थोड़ा सा कम पड़ गया था तो उन्होंने कोई और फैब्रिक लाइक इसमें से कोई और डिजाइन लगा दिया, बट मोस्टली ये फ्लावर वाला ही पैटर्न पूरे दुपट्टे पर लग गया जिससे कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लुक आ रही थी। एंड आई वॉज रियली लविंग हाउ इट वॉज लुकिंग एंड मुझे ये दुपट्टा बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मैंने ज्यादा काम वाला दुपट्टा नहीं लिया जिससे कि ये जो कुर्ती थी बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही थी और जो ये शरारा था वो भी स्टैंड आउट हो रहा था, बट अगर आपको यू नो दुपट्टा थोड़ा लाइट लग रहा हो देन आप थोड़ा हैवी दुपट्टा भी ले सकते हैं, बट मुझे दुपट्टा बहुत ही अच्छा लग रहा था विद दिस आउटफिट बिकॉज मुझे दिवाली आउटफिट ही चाहिए था एंड ये ज्यादा हैवी भी नहीं था और ज्यादा लाइट भी नहीं था। आई वॉज रियली लविंग हाउ दिस होल आउटफिट वॉज टर्निंग आउट एंड स्लीव्स तो बहुत ही सुंदर थी लाइक ये फ्लावर वाला पैटर्न की स्लीव्स आई वॉज रियली लविंग, बहुत ही ज्यादा क्यूट पैटर्न लग रहा था, बहुत ही ज्यादा फेमिनिन टच आ रहा था एंड आई वॉज रियली लविंग द नेक द फिटिंग एंड सब कुछ ही अच्छा लग रहा था। एंड दिस शरारा इज माई फेवरेट बिकॉज इसकी फ्लेयर्स बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं और इसको हम किसी और चीज के साथ भी पेयर अप कर सकते हैं, कोई और कुर्ती भी बनवा सकते हैं यू नो कोई डिफरेंट डिजाइन की तो उसके साथ भी चल जाएगा, आई विल डेफिनेटली डू दैट एज वेल। एंड ये बिल्कुल स्कर्ट की तरह ही लग रहा है एंड आई वॉज रियली लविंग हाउ इट टर्नड आउट। सो या दिस हाउ दिस होल दिवाली आउटफिट टर्नड आउट, आई एम रियली लविंग हाउ दिस होल आउटफिट इज लुकिंग एंड कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि मैंने होल आउटफिट ब्लाउज के फैब्रिक को यू नो सेंटर पीस रखकर बनवाया है,
लाइक अगर वो ब्लाउज का कपड़ा ना होता देन मेरे को दिवाली आउटफिट में डिफिकल्टी हो जाती, बट ये वाले ब्लाउज पीस ने मुझे इस बार दिवाली पे बचा लिया एंड इतना सुंदर आउटफिट बना है फ्रॉम जस्ट अ ब्लाउज पीस। आई एम रियली अमेज्ड। सिर्फ 1.25 मीटर फैब्रिक में से बहुत ही सुंदर कुर्ती बन गई है और साथ के साथ सारे दुपट्टे पर भी इसका बॉर्डर लग गया। आई थिंक दैट यू नो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आ गया है एंड आई रियली लव हाउ इट लुक्स। ये बहुत ही ज़्यादा फेमिनिन आउटफिट है, यू नो फेस्टिव वाइब भी दे रही है और आप इसको यू नो अपकमिंग वेडिंग सीजन्स में पहन सकते, किसी की शादी, फंक्शन, पार्टी, लगन, सगन, इन एनी फंक्शन यू कैन वेयर दिस आउटफिट। ये आउटफिट बहुत ज़्यादा हैवी वाला आउटफिट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सटल आउटफिट भी नहीं है। अगर आपको इस आउटफिट को और भी ज़्यादा हैवी बनवाना है देन आप इसका दुपट्टा हैवी ले लो, उससे आउटफिट और भी ज़्यादा हैवी हो जाएगा। बट मुझे ये सिर्फ दिवाली के लिए चाहिए था और यू नो नॉर्मल फंक्शंस के लिए, तो मैंने दुपट्टा सटल रखा है एंड ये आउटफिट पूरा तो यू नो ब्लाउज के पीस पर ही डेडिकेट है। तो आपके पास अगर कोई भी हैवी ब्लाउज का पीस हो देन आप उसको यूज कर सकते हैं बहुत ही सुंदर आउटफिट बनाकर। एंड यार रिसेंटली मैंने सब्यसाची की ड्रेस भी, जो कि रिवेंज ड्रेस है, वो भी मैंने आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच से रिक्रिएट की है, वो भी सिर्फ 3,000 रुपए के अंदर। सो इफ यू लाइक सब्यसाची आउटफिट्स देन डू वॉच दैट वीडियो बिकॉज वो ऑलमोस्ट रेप्लिका ड्रेस ही बन गई है। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप दैट यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, इट विल मीन अ लॉट टू मी। एंड यार दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू guys super soon with a brand new video. Till then, bye bye, take care.